इस तरीके से हम लोग इसे प्रिंट करते हैं कि मैंने ये कटिंग किया है इस तरीके से मैनुअल। तो ये आपका हीट करने के लिए रेडी हो चुका है, हीट किया और ये क्वालिटी आई है साथियों, सुपर। तो अगर साथियों आप किसी भी फैब्रिक को प्रिंट करना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिस्टर हो, लाइक्रा हो, कॉटन हो, जो हॉजरी हो, एक्स वाई जेड कोई भी फैब्रिक हो, या फिर आप किसी भी कलर में प्रिंट करना चाहते हैं, रेड, ब्लैक, व्हाइट, कोई भी कलर हो, एक्स वाई जेड कोई भी कलर हो, आप उस पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसका सबसे सिंपल तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे सिंपल तरीका, सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ साथियों। इसके लिए ना आपको कोई सब्लिमेशन प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, ना आपको कटिंग प्लॉटर की रिक्वायरमेंट है। जस्ट आपको एक रिक्वायरमेंट होगी, वो हीट प्रेस मशीन या फिर आपका कोई भी प्रेस। हीट प्रेस मशीन हमारी प्रिंट करने में मदद करेगी, इसीलिए हमें हीट प्रेस मशीन की जरूरत है। और जैसा कि साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं डार्क शीट पेपर। अब डार्क शीट पेपर को हमने पहले भी कई कस्टमर्स हैं, हमने उनको सेल किया है, मगर वो इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, या फिर कई ऐसे कस्टमर्स हैं हमारे पास, बहुत क्वारीज आती है कि उन्होंने डार्क शीट पेपर लिया है, उनके डार्क शीट पेपर अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। जैसे कि मैंने भी यूज की थी जब मैं इस लाइन में आया था, तो मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। मुझे क्या बताया था सेलर ने, मुझे ये बताया था सेलर ने कि इसको नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, 5 to 6 seconds के लिए इसको हीट करते हैं और जस्ट ये रेडी हो जाती है। तो साथियों क्लियरली आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर होता क्या है, इसके ऊपर एक तरह की कोटिंग होती है साथियों, इसके ऊपर एक तरह की कोटिंग, अगर इसको आप स्क्रब करेंगे तो इसके ऊपर एक तरह का आपको पाउडर सा नजर आएगा। ये पाउडर साथियों, ये इसका मेन वर्क है, इस पेपर का मेन वर्क ये पाउडर है। एक्चुअली होता क्या है, ये पाउडर होता है जब टी शर्ट पर जब हम इसे हीट करते हैं, जब तक हम इसको अच्छे से हीट नहीं करेंगे, 30 seconds के लिए हम इसे हीट नहीं करेंगे, तब तक ये पाउडर इस पे जमेगा नहीं। अगर आप 5 to 6 seconds के लिए करेंगे तो ये टी शर्ट पर पेस्ट होगी, जस्ट पेस्ट होगी, मगर वॉश करोगे पहले वॉश में प्रिंट गायब हो जाएगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें साथियों कि इसको करने का सबसे सही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब करे बिना साथियों आपको बिल्कुल नहीं जाना है, तो वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा साथियों, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से इस वर्क को करता हूँ, कैसे मैं इस शीट को यूज करता हूँ टी शर्ट के ऊपर। तो सबसे आसान तरीका है, इसी तरीके से आप यूज करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी तरीके से प्रिंट हो पाएगी। तो साथियों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये A3 A4 साइज में, दोनों ये A3 साइज मैंने प्रिंट किया है। इस तरीके से हम लोग इसे प्रिंट करते हैं किसी भी नॉर्मल इंक जेट प्रिंटर से। लेजर प्रिंट साथियों नहीं होना चाहिए, लेजर प्रिंट के अंदर हीटर होता है, हीटर के अंदर आप इसे प्रिंट करोगे ये साथ के साथ गमिंग इसकी खराब हो जाएगी, ये पेस्ट हो जाएगा इसके ऊपर, इसीलिए डार्क शीट पर लेजर पर नहीं करते हैं, नॉर्मल इंक जेट प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, वो भी सब्लिमेशन नहीं होना चाहिए। सब्लिमेशन प्रिंटर को सिर्फ हम ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं साथियों, हमेशा ध्यान दीजिए, सब्लिमेशन प्रिंटर को हमेशा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, चाहे वो टी शर्ट पर हो, मग पर हो, या किसी भी सेरामिक आइटम पर, तो उस पर ही हम लोग इसे यूज करते हैं। और किसी भी ऐसे उस पर सब्जेक्ट पर आप इसे यूज करोगे, लाइक आप डार्क शीट पर, नॉर्मल पेपर पर, तो ये कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन, 7 दिनों के अंदर बिल्कुल फेड हो जाएगी, इंक इसकी बिल्कुल फैल जाएगी, उसके बाद इसका प्रोसेस, इसकी जो लाइफ है वो सबसे खराब हो जाएगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, इसको हमेशा नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर से ही प्रिंट करना पड़ता है। तो ये मैंने आपका नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट किया है। अब ये इसका बेस, ये एक PNG फाइल है, आप कोई भी फाइल ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अब मैंने इसका बेस येल्लो क्यों किया है, एक्चुअली मैं इसको येल्लो टी शर्ट पे पेस्ट करूंगा, इसीलिए मैंने इसका कलर येल्लो किया है। अब होता क्या है साथियों, ये इसका मैचिंग कलर है येल्लो। अब हम लोग कोई प्लॉटर यूज नहीं करें, ये एक ऐसा डिजाइन है जो प्लॉटर से भी कट नहीं होगा, तो हम लोग इसे किस तरीके से डिजाइन कट करेंगे साथियों, देखिए इतना आप अगर क्लियरली जाएंगे कि आपको ये राउंड भी चाहिए, ये राउंड भी चाहिए, बहुत बारीक बारीक राउंड है वो भी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे मैनुअल, ये देखिए मैंने अभी मैनुअल कटिंग है, ये ब्लैक पर प्रिंट करूंगा, तो ये ब्लैक का जो कलर है, कॉर्नर के जो कलर है, वो ब्लैक पर नहीं दिखेंगे। इसी तरीके से हम लोग कटिंग करेंगे इसको, कई हमारे भाई बंधु क्या है, वो क्या करते हैं, बिल्कुल राउंड से कटिंग करते हैं और पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से, मगर आई थिंक वो आइडिया अच्छा नहीं है जितना कि हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए मैंने ये कटिंग किया है इस तरीके से मैनुअल, इसमें काफी गलती आपको नजर आएगी, मगर आप जो आप प्रिंट करेंगे तो आई थिंक इससे बेटर आपको अच्छा फील आएगा,
क्योंकि एक कटिंग हो चुका है। अब देखिए मैं आपको और दिखा देता हूँ, मैं आपको कटिंग करके भी दिखाता हूँ किस तरीके से मैनुअल कटिंग की करेंगे। ये ब्लैक टी शर्ट है, प्रिंट होगा, इसका बेस मैंने ब्लैक रखा है, इसीलिए रेड पर होगा तो रेड रखूंगा, येलो पर होगा तो येलो, व्हाइट पर करूंगा तो व्हाइट तो है ही है कलर। अब आपको क्या करना है, एक बढ़िया सीजर लेनी है जिसका कटिंग काफी अच्छा हो, और ये देखिए इस तरीके से आपको जस्ट ये कटिंग करना होता है। हम लोग सोचते हैं कि साथियों कि ये सब प्लॉटर के काम है, तो अगर आप काम नहीं करोगे तो शायद ये प्लॉटर से भी आपसे कटिंग नहीं होगा, है ना साथियों। तो और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे काफी एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं कटिंग कर पा रहा हूं, तो ये भी आप गलत सोच रहे हैं। मुझे कटिंग सीजर चलाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, जितना आपको एक्सपीरियंस है साथियों उतना ही मुझे है, मैंने कोई इसमें डिग्री नहीं ली है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो अगर ये थोड़ा सा बॉर्डर छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्लैक कलर पर ही प्रिंट होगा तो ब्लैक कलर पर बॉर्डर दिखता नहीं है, ठीक है। सिंपल प्रोसेस, हमने कटिंग किया है, कुछ देर नहीं लगी आपका। अब आपको ना तो प्लॉटर की जरूरत पड़ी, ना आपको सब्लिमेशन की जरूरत पड़ी, ना आपको सब्लिमेशन प्रिंटर की रिक्वायरमेंट पड़ी, आपको जस्ट ये नॉर्मल किसी भी इंकजेट प्रिंटर, या तो वो आपके घर में होगा नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर, या फिर आप किसी भी कैफे पे जाकर आप ये शीट लेके जाइए, कैफे पे जाइए, उनसे कहिए प्रिंट निकाल के दे दीजिए, सेटिंग्स मैं आपको बता दूंगा, वो सेटिंग्स आप निकलवा लीजिए, बात खत्म। तो ये आपका हीट करने के लिए रेडी हो चुका है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से मैंने ये भी कटिंग किया साथी, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है इसमें एक मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा, और ऐसे प्रिंटर्स में, और ऐसे में शायद 5 मिनट, तो 5 मिनट अगर आप घर पर अपने लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो आई थिंक ज्यादा नहीं है। इसी प्रकार से देखिए ये भी डिजाइन है। हम लोग देखिए सारे काम इस तरीके से करते हैं कि काम भी ऐसा हो जो हम इजिली कर सके, है ना। तो ये हम लोग व्हाइट पे प्रिंट करेंगे, इसीलिए हमने व्हाइट शीट बैक में रखी है, और अगर व्हाइट में हल्का सा बच भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जल्दी जल्दी भी करके दिखा देता हूं, अगर ऐसा बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए अभी मैंने आपके सामने कटिंग किया है, आप इस तरीके से कटिंग कीजिए, टी शर्ट पे पेस्ट कीजिए, पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। और फिर भी अगर आपसे कोई ऐसा साइज आता है जो आपका इक्वल ऐसे करना है, रेक्टेंगुलर करना है, तो उसके लिए तो आप बहुत अच्छी बात है, आपको जस्ट कटिंग करना है और जस्ट टी शर्ट पे पेस्ट करना है। कई ऐसे डिजाइन होते हैं जो हम लोग ऐसे ही पेस्ट कर सकते हैं, मगर फिर भी आप कोशिश करें इस तरीके से पेस्ट ना करके इस तरीके से इसके डिजाइन पर ना, ऐसे डिजाइन पर इसका कोई भी, जल्दी में अगर आपको ऐसा लगता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, रेक्टेंगुलर करने से अच्छा है इस तरीके से आप इसे इसके कोई भी शेप में, कर्व शेप में इसे कटिंग कर लें। ये देखिए अभी रेक्टेंगुलर था, अभी ये शेप हो चुकी है, अभी शेप में भी आप कटिंग इसे पेस्ट करेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छी लुक आएगी, आपको दिखा देता हूं। तो देखा आपने, हमने कटिंग किया फर्स्ट जस्ट 30 सेकेंड्स, 20 to 30 सेकेंड्स के अंदर हमने इस तरीके से कट किया है, कोई ऐसा पहले से डिसाइड नहीं था मैं ऐसे कट करूंगा, जस्ट वो डाइट जैसा आता गया मैं कट करता गया। ये हमने कट किया, ये हमने कट किया, और ये हमने कट किया। अब सिंपल सा प्रोसेस है कैसे हमने इसको टी शर्ट पे पेस्ट करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप किसी भी कटर से इस तरीके से इसके कॉर्नर को निकालेंगे, ये आपका इजिली निकल जाएगा, ये निकल गया। अब इसको आपने पील ऑफ करना है इस तरीके से,
लीजिए। आराम से हो गया साथियों। अब इसको आप किसी भी फैब्रिक पर पेस्ट कीजिए, किसी भी फैब्रिक पर। ऐसे ही ब्लैक का आपको दिखा देता हूं, ये ब्लैक है। हम लोग इसको हल्का सा निकालेंगे ऊपर से ताकि आपको ब्लेड हो, पिन हो, आप पिन से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको ये निकालना है। ये लीजिए, ये निकल गया आपका, कोई दिक्कत नहीं हुई इस तरीके से। और सेम प्रोसेस आपको इन दोनों में भी आपको सेम प्रोसेस यूज करना है। तो दिखा देता हूं आपको किस तरीके से ये प्रिंट होगा। तो हम लोग 30 सेकंड के लिए इसको हीट करने वाले हैं 170 डिग्री टेम्परेचर पर। सेल्सियस में टेम्परेचर होगा ये। तो ये हमने अभी हीट की है और ये क्वालिटी आई है साथियों, सुपर्ब। तो ये क्वालिटी आई है एकदम ओके की रिपोर्ट। ये हम लोग टेफ्लॉन शीट इस पे लगा रहे हैं इस तरीके से और इसको 30 सेकेंड्स के लिए हीट करेंगे। आपको दिखाता हूँ। तो ये भी हमारी हो चुकी है, एक्सीलेंट वर्क। तो ये देखिए हमारी टी शर्ट हो चुकी है रेडी इस तरीके से। तो साथियों आपने देखा हमने प्रिंट की, अब ये देखिए क्वालिटी। व्हाइट कलर पर अगर आपने प्रिंट किया है तो क्या आपको व्हाइट बॉर्डर नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, एकदम बढ़िया क्वालिटी। अब इसको स्ट्रेच करो, ये देखिए साथियों बिल्कुल खराब नहीं हुई है। 30 से 40 सेकंड के बीच में रखा है। लोग कहते हैं 30 से 40 सेकंड में खराब हो जाता है प्रिंट, मगर आपके सामने 30 से 60 सेकंड मैंने रखा है, स्ट्रेच करके दिखाया है। आप ये देखिए इस तरीके से आप मैनुअल कटिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट, बहुत फील सॉफ्ट है इसमें, कोई देखिए बिल्कुल स्क्रैच नहीं, बिल्कुल स्क्रैच नहीं। डीटीएफ के बारे में मुकाबला करेंगे तो मैं आज ये कह सकता हूं आपसे कि डीटीएफ के मुकाबले है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आपको कटिंग इस तरीके से आपको मैटर रखने पड़ेंगे कि इस तरीके से कटिंग हो जाए इजिली, ठीक है। अगर आप ये देखिए येलो पर बेस काफी कम नजर आ रहा है, प्रिंट काफी अच्छा नजर आ रहा है। अब आप ब्लैक पर देखिए सबसे, ब्लैक पर क्वालिटी बहुत खिलकर आ रही है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत बेटर क्वालिटी है। आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना, कोई सब्लिमेशन प्रिंटर नहीं लेना है, कोई आपको कटिंग प्लॉटर नहीं लेना है। इस तरीके के टी शर्ट बनाकर आप खुद ही सेल कर सकते हैं। तो ये है साथियों आज की वीडियो में कि ये बताना है कि इसको डार्क शीट को किस तरीके से यूज किया जाता है। A4 और A3 साइज दोनों में अवेलेबल है, क्वालिटी काफी अच्छी है। तो ये आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दिए हुए व्हाट्सएप पर आप हमें कॉल कर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका ऑर्डर लिखवा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी इसको हम लोग डिलीवर करते हैं। तो साथियों लास्ट आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल नहीं जाना, अभी सब्सक्राइब करना है। तरीके का प्यार हमेशा देते रहिए साथियों। मिलते हैं आपको किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे मैटर के ऊपर। तो जब तक आप अपने ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।